So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally listen to the no's. I just wanna keep moving, keep my head up when I head up, that's a fact. Never. क्या बात है इसका नंबर मार दे पूरा इधर है वाले उधर दो हैं ठीक है एक नॉक्ड है क्या बात है अब स्काउट थोड़ा होल्ड कर ले तेरे हमारे सामने है दोनों हमारे सामने तेरे पे भाग रहे बोले परितोष परितोष को नॉक कर जा परितोष राइट संभालना स्काउट ऊपर रहे एकदम ऊपर चढ़ जा ऊपर ही है आ जाओ और मार नॉक क्या बात नॉक हुआ वो ऊपर है रुक जा तो ई विंडो में ई विंडो में पागल हो जाएंगे भाई अरे भागिदा भागिदा ओए ओपी भाई ये तो रिकॉर्ड कर ले छी भाई जिंदा पूरा वो दे 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 फर्स्ट हां एक नंबर पे पीछे वाले यार बेचारा नॉक था मैंने नॉक किया था उसको ऑल डेड नाइसली डन एक नंबर
बाहर इधर प्यारा सेकंड है इंस्टेंट टच करना भाई राइट से भी आया है ऊपर एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड लास्ट उधर है एक लेफ्ट से आ रहा एक लेफ्ट से आ रहा एनिमीज अहेड वेयर हाउस की तरफ फिनिश करेगा नहीं चलता है अबे एक और टीम है क्या मैं गया एक और टीम है राइट में देख अभी रोड के क्रॉस आई है तेरे साइड वो स्मोक डाल रहा है ये पर ही रह गया तो ऊपर से तोड़ भी दियो ओ भाई कहां से आया इन्हें रेव हो गया ना वाला नेड इधर डाल नहीं है नेड इसको कैसे मारेगा अपने ऊपर आने का बाजार का दौड़ना पड़ेगा हाँ नीचे से ही दौड़ जा सीधा सीधा ही वो आया और इसको कैसे हील कर रहा है अब बस देख लेफ्ट है बराबर लेफ्ट में एक और है साउंड आ रहा नीचे है मेरे फ्रेंड्स के डम शॉट ये रहा ऑलरेडी Nice shot. He's on my roof? I'm not sure. Maybe next building. Oh,
On my top. किधर मेरे को बता ये रहा डिफेंड द मार्क ओपन कहां से हो गया अब कंपाउंड हो गया वो अरे रोड पे उतरे अभी घुसे अंदर अभी ये रहे डिफेंड द मार्क कुछ है गिरा दे को ओ भाई क्रॉस वो बोलते मैं के सब मार्क द लोकेशन इधर स्काउट मेरे को बता ना काउट मेरे नीचे मैं इनवेट दे रहा हूं मार्क द लोकेशन एक को गिरा दो गिरा ब्रो हैकर हो करे क्या अभी मेरे सामने भाई हां तेरे पास भी है कि संभाल के अबे यार बचा ओ भाई दे दिया भाई अभी स्काउट तेरा एनिमी साइड किधर और था भाई भाई ये रहा हमें दो गिराया हूं मैं वेट प्लीज बोले ओपन में बॉल पे वो देख थैंक यू हां देख दे गिरा एक और भाई हैकर है बे भाई एक लास्ट बचा है अटैक द मार्क चल ऐश आया मैं इसके अंदर इसके अंदर येलो के अंदर है हां तो भाई मैं किससे मारूं क्रॉसबो ब्रो मैं बस तीन नॉक कर दियो मैं भाई ओवेज मैं जा काउंटर को मैं ऐसे कर रहा हूं इसके राइट में था और ये लेफ्ट में थे इधर दो सपोर्ट दे रहे हैं प्यारा इस पे आता हुआ आतंकी को लगभग 5 HP पे छोड़ा है स्काउट को भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है नहीं चाहिए अगर मॉली पड़ गई तो फिर नॉकडाउट होने के चांसेस बट नहीं अंदर के साइड पे आते हुए सेल्स के चार मेंबर जिंदा रहेंगे आई गेस एल्यूजन पहले से डाउन हो चुके थे तीन मेंबर सेल्स के अगेन रिवाइव हो जाएंगे बट स्काउट पे पूरा दामोदर अभी के लिए रहेगा क्योंकि सेल्स स्क्वाड रिवाइव हो चुकी है और उन्होंने हील भी कर ली है और सेल्स स्क्वाड अब रश करेगी ये फिनिश किया तो टोटल 8 kills उनके पास होंगे नेड आया है बहुत ज्यादा क्लोज नेड और शायद डाउन हो सकते थे ओवेस एचपी काफी ज्यादा कम रिवाइव नहीं कर पाए और ओवेस इसी के साथ ब्लीड कर जाएंगे दो मेंबर्स फैनेटिक के डाउन होते हुए रैंडम स्मोक्स स्काउट का कर चुके हैं ओएस को फिनिश किया और इसके बाद
लेकिन आ चुका इधर गाड़ी लेके अपने टीममेट के पास, बीरू वहां से रोटेशन मार चुका था तो इधर स्काउट बचने का चांस बहुत प्रेयर है, तो वो यहां से रुकने की कोशिश भी नहीं किया क्योंकि उतर चुके हैं बीरू उधर मीनी एंड एम4 नियो उधर से पुश कर रहा है, आईवी एक्सन उधर पीछे एंड स्काउट अगर पीछे रुक जाता है तो इजीली यहां पर डाउन कर सकता है एंड उसको ओएस को उधर आईवी एक्सन ने नॉकआउट कर चुका है। परितोष भाई इधर एनटीटी का स्कोर टीएस का रोटेशन का आकर एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना आउट से निकल जाना ही सही होगा। परितोष के ऊपर अगर ध्यान दोगे वो ऑलरेडी यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड उधर ध्यान दोगे आईएम का स्क्वाड बैक टू बैक पॉइंट ले ही जा रहा है, स्टेट मिस हुआ उसका एक और ज्यादा रन मत करो ये कोशिश ना वक्त कर चुका है। इधर सिर्फ आईवी एक्सन है सामने बहुत सही चल रहा है आईवी एक्सन को भी इधर वो भाई क्लच कर दिया वो राइट टाइम पे आया भाई इधर स्काउट ने क्लच कर दिया राइट से आईएनएस का डर है फिनेटिक को दे हैव टू रिट्रेट और वैम्पायर किलिंग रौनक इन हियर अकेले बचे स्काउट स्काउट का यहाँ पे कैरी ऑन कर पाएंगे बट नहीं यहाँ पर ट्रिगर ये एक एक करके सबको यहाँ पे नॉकआउट करे। दिस प्लेयर इज शोइंग व्हाई इज द टेक्निकल मैकेनिकल गॉड इन इंडिया किस तरीके से इस प्लेयर ने अपने आप को इंप्रूव किया इंप्रूव है और ये देखिए वैम्पायर को ऑलमोस्ट 20% एचपी मिला है बट वैम्पायर शुड बी यूटिलाइजिंग द शॉट क्योंकि वो काफी ओपन है स्काउट इज रनिंग फॉर ए स्लॉट स्काउट को पता है अकेले उसको ही कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा बट मी मैं यहाँ पे स्काउट ख्याल से फिनेटिक के अकेले ओवेज यहाँ पे नॉकआउट हुए हैं एंड मेहन के अगेंस्ट क्या फाइट होगी ये काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या स्काउट इतना बड़ा क्लच यहाँ पे निकाल पाएगा स्काउट इजीली डक करके अपने आप को बचाने की कोशिश टारगेट पिकिंग बहुत अच्छी है स्काउट को एक बुलेट चाहिए बट अफसोस इट वाज अ क्लोज गेम बट मेहन जो चाहिए था वो निकाल लिया और फाइनली दे गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर एंड बॉटम से बहुत ही बेहतरीन नॉक कर लिया है डार्ली को विद दैट उजी एंड इंस्टेंटली उनको फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बट सरप्राइजिंगली यहां पे आई थिंक लेवल 1 का हेलमेट एंड स्काउट कमिंग विद दैट सेकंड नॉक नॉकिंग डाउन हेडिस एंड यहां पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे स्काउट नेड फेंकते हुए बट वो नेड कनेक्ट नहीं कर पाएगा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा बट यहां से फॉलो अप कैसे करेगी टीम फनाटिक क्या यहां पे टीम फनाटिक पुश करने वाली है यस टीम फनाटिक स्काउट यहां पे पुश कर चुके हैं देखते हैं यहां पे उजी है क्लोज रेंज फाइट लेने के लिए तैयार है स्काउट एंड देखते हैं यहां पे चॉपर की तरफ स्प्रे डाउन करते हुए बट स्प्रे कनेक्ट कर पाए एंड यहां पे रोटेट आउट करते हुए देखते हैं यहां पे चॉपर पे स्प्रे डाउन करते हुए एश का और रौनक का बहुत ही बेहतरीन बैकअप एंड बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अभी टीम फनाटिक एंड लास्ट जो बचे टीम एफएफपी के टाका काफी दूर हो चुके हैं अपने स्क्वाड से बट आई थिंक यस ऑल द 3 किल्स वेंट टू स्काउट स्काउट टेकिंग 3 किल्स फॉर हिज टीम एन एक्सीलेंट strategy I'm pretty sure ki you know when it comes to bridge camp no one does it better than scout scout ka bahut hi behtar in bridge camp rehta hai and yahan pe uske call ne apne team ko definitely ek you know advantage dilaya wahan pe ffq ke taka niche kood rahe hain but I don't think wo unko zyada help karegi and yahan pe scout coming up with 3 kills for fnatic and finally fnatic ko ek bahut hi pyara head start milte hue which is amazing ffq